तो ये देखो यहाँ पे पेड़े आ चुके हैं हमारे ताऊ जी के द्वारा। सुबह सुबह ना मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ना, थोड़ा दर्द भी है तो आराम आराम से लगे हैं अब अभी, बाकी देखते हैं आगे। देवरानी भी आ गई है यहाँ पे लकड़ी लेके, बाकी आज ना मतलब। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के सड़क से और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह ना मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट, गैरसैन मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर ना हमारा समोसे रिलेटिव कुछ काम है, हमें कुछ फॉर्म वगैरह कलेक्ट करने हैं वहाँ पर। तो मैं और हमारे एक सासू जी जा रहे हैं, कक्ष सासू जी, तो चलिए जी चलते हैं। बाकी मौसम ना काफ़ी बढ़िया हो रखा है, अभी हल्की हल्की सी धूप आई है और एक साइड से मौसम घनाघोर हो रखा है। तो चलिए जी दिखाते हैं आप लोगों को आज गैरसैन मार्केट का एक छोटा सा सफ़र कैसा कैसा रहता है हमारा सफ़र, आप लोग भी आगे बने रहिएगा। फिलहाल तो अभी मैं रोड पे आ चुकी हूँ और सासू जी अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उनके पाँव में ना थोड़ा सा दर्द भी है, मतलब चोट लगी थी तो थोड़ा सा दर्द है उनके पाँव में, तो वो आराम आराम से भी निकल रहे होंगे अपने घर से। हमारा घर अलग अलग है तो वो उधर साइड से आ रहे हैं और मैं अपने घर की साइड से सीधे ऊपर आ गई हूँ। तो चलिए जी चलते हैं और बने रहना आगे वीडियो में। ये भाई एगो तुम किले देव मो वो भाई। तो क्या नहीं मिला मैडम का, और मैडम का आज प्रियंका तिवारी के भी रिकॉर्ड होने वाली है। गाइस मुझे एक बिंदी चाहिए, बिंदी जो कि परसों दोस्तों होश नहीं रहेगा तो कहाँ भी होश भाई, होश तुम बोल रहे दारी हो। तो दोस्तों देखो अभी मैं और सासू जी जा रहे हैं आज मार्केट, तो समूह का कुछ काम है इसीलिए जा रहे हैं हम लोग, तो चलो फिर। और सासू जी का पाँव में ना थोड़ा दर्द भी है तो आराम आराम से लगे हैं अब अभी, बाकी देखते हैं आगे गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे गाड़ी वाले को तो सासू ने फ़ोन कर रखा है, तो चलिए बने रहना आप आगे वीडियो में। तो अभी ना क्या बोलूँ, मेरे तो बोलूँ मेरा पता नहीं, हमें पेड़े खिला रहे हैं यहाँ पे हमारे ससुर जी, जो बोलवा ताऊ जी, ताऊ जी। ये को नहीं खाना वो है। तो ये देखो यहाँ पे पेड़े आ चुके हैं हमारे ताऊ जी के द्वारा। अभी ना दोस्तों जो हमारा समूह का काम था ब्लॉग में वो हो चुका है, बाकी हम आए हैं अभी यहाँ पे भैया जी की दुकान में, जो कि हमारी फेमस दुकान है शगुन सेंटर। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ना हमें दीदी भी मिल गई है, तो दीदी यहाँ पे अपने लिए कुछ ख़रीदारी कर रही है देखो ये, और भैया जी जिनकी शॉप है। तो इस दुकान जब भी हम गैरसैंड आते हैं तो आपने पक्का देखा होगा इस दुकान में वीडियो बनती ही बनती है। तो अभी दीदी यहाँ पे अपने लिए कपड़े देख रही है मतलब, तो चलो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो
भैया ने ना यहाँ पे सूटों की लाइन लगा दी, पर दीदी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है अभी। और यहाँ पे हमारा भांजा भी आ रखा है लबू। आप क्या कर रहे हो? हाय मामी बोल दे। कुरकुरा खा रहा है, मामी को पहचान भी नहीं रहा है आज, है ना लबू? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? ये सामने रखी हुई है गाड़ी, लबू को ये चाहिए। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों का काम थोड़ा बहुत निपट चुका है, तो अभी हम लोग दीदी थोड़ा हॉस्पिटल गई है क्योंकि उनकी आंखों में ना दर्द है। तो मैं, सासू जी और लब्बू हैं यहाँ पे, और यह है हमारे गैरसैंण का सरकारी हॉस्पिटल। बाकी दीदी वहाँ जा रखी है अपना चेकअप करवाने के लिए। अभी ना दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पर। दरअसल मैं घर पर आ चुकी थी 4:24:25 पर, यानी कि 4:30 आ चुकी थी। तो बाकी मितान ना बिल्कुल खुश हो रखा था आज अपने पापा के साथ, और मितानसु को ना मेरी याद भी नहीं आई। आई आपको मेरी याद? मम्मी ने आपके लिए क्या ला रखा था? अभी ये खा रहा है किंडर जॉय। अच्छा, तो मितानस की स्पेशल डिमांड थी मेरे लिए किंडर जॉय। अच्छा, दो किंडर जॉय ला रखे थे मैंने मितानस के लिए। और क्या लाई थी मम्मी आपके लिए? सैंडल कौन लाया था? लाई थी मम्मी नए सैंडल लाई थी। तो मितांस के लिए मैं लाई थी 2 जोड़ी सैंडल, इसके फेवरेट किंडर जॉय, बाकी हाँ कपड़े, और बाकी दोस्तों मार्केट में मतलब ऐसा हो जाता है ना, गाड़ी में मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो अभी देवरानी भी आ गई है यहाँ पे लकड़ी लेके। बाकी आज ना मतलब वहाँ से आके हम लोगों ने अब तक गोबर फेंका, और अभी हम आ चुके हैं। तो ये लकड़ी लेके आ रही है गौशाले से। बाकी काफ़ी टाइम बाद ये दिख रही होगी आपको ब्लॉग में, और बोल रहे मुझे मत दिखाओ। क्यों मत दिखाओ भाई? अरे नहीं दिखा। तो ये ना सब्जी वगैरह लेके आ रही है, तो अभी हम लोग बनाएंगे सब्जी। और मेले के बाद ना आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से मेले की वीडियो जा रही थी और कंटिन्यू ऐसी वैसी वीडियोस जा रही थी, मतलब कुछ वो भू कानून के आंदोलन की थी 2-3 वीडियो, बाकी मेले की थी। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसको कि बिना मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई। मार्केट में ना जो ये कागज़ वगैरह का काम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मेरा भी बिल्कुल ऐसा मूड हो गया था कि ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं किया। फिर घर को आ गए थे, और अभी जो है हम लोग करेंगे खाने पीने की तैयारी क्योंकि ससुर जी नहीं आए हैं। बाकी आज ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, जिसको कि ना मैं आपको दिखाऊंगी, कब दिखाऊंगी पता नहीं पर दिखाऊंगी ज़रूर। तो काफ़ी मज़ा आया वैसे, सासू जी के साथ मैं गई थी, कक सासू जी के साथ, उनके साथ भी ठीक ही लगा मेरे को। तो हम लोग वैसे जाते रहते हैं, उन्हीं के साथ जाती हूँ मैं ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि समूह में ना हम दोनों ही जाते रहते हैं मार्केट। बाकी आप कर लेते हैं खाने पीने की तैयारी, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलिए दिखाती हूँ मैं अब आप लोगों को कि हमने क्या शॉपिंग। तो सबसे पहले ये है मितांस के सैंडल, कैसे हैं आप बताना। और मितांस इनको मांग रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है? तो ये लो आप ले जाओ अपने चप्पल जाओ। दूसरा दोस्तों मैं ला रखी हूँ मितांस के लिए ये 3 पैजामे, जो कि मैं ला रही हूँ गैरसैंण सगुन सेंटर से, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी कम रेट में मेरे को ये मिल गए थे, 80-80 रुपये के ऐसे कुछ लगाया था भैया ने। बाकी ये गर्म है और अच्छे हैं, देखो 3 मिले हैं मेरे को 80-80 रुपये में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कपड़ा है इनका। तो दोस्तों एक मैं अपने लिए लाई हूँ ये स्वेटर, जो जिसका कलर की ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये भी ना मैं वहीं से लाई हूँ सगुन सेंटर से, जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया है भैया की जो शॉप है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, और ये भी ना मुझे काफ़ी सस्ते में पट गई थी, इसलिए मतलब हम ना भैया के यहाँ पे डेली जाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा रेट दे देते हैं। तो ये स्वेटर भी कुछ ऐसी है, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और जिसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और जो इस पर छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं ना, ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो लास्ट में और फिर मैं लाई हूँ दोस्तों ये देखो, ये हमने खोल दिया है, ये है 3 परांदे हम तीनों के लिए। तो आपको तो पता ही है हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मेन हैं ये परांदे, जो कि मैं गैरसैंण से ही लाई हूँ, और वहाँ पे एक दीदी जी की शॉप थी जिनकी शॉप में ना मैं फर्स्ट बार गई, हालांकि मैं उनको वीडियो में नहीं निकाल पाई, पर अगली बार अगर मैं उनके मतलब उनकी दुकान में जाऊँगी ना तो पक्का। बाकी ये परांदे भी काफ़ी ज़्यादा, तो ये हम तीनों के लिए हैं, मैंने 3 ला रखे हैं।
और सबसे जो आज मैं स्पेशल लाई हूँ वो है ये क्या है ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये है एक कुर्ती जो कि मैं उन दीदी जी के ही दुकान से लाई हूँ, ये जो कि ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और जिसका कलर भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो देख सकते हो आप लोग इसका जो ये गले पे वर्क है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मुझे, और इसका कलर ना काफ़ी ज़्यादा हल्का है तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी इसके साथ हमें मिला है एक दुपट्टा, तो ये देखो इसका दुपट्टा भी ना कुछ ऐसा है जो कि ठीक ही है, ये ज़्यादा लंबा दुपट्टा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो आपको तो पता ही आजकल ना कुर्तियाँ ही ज़्यादा लोग पहनना पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी ले आई ये। और ये है इसका प्लाज़ो, और सबसे बढ़िया बात तो इसमें प्लाज़ो है, देखो एकदम खुला सा ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और जिसपे भी ना जो प्रिंट है ये और भी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो ये हैं दो जोड़े कंगन जो कि मतलब हमें डेली यूज़ के लिए ना ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, और चूड़ियों से अच्छा ना ये कंगन ठीक है हमारे पहाड़ों में काम करने के लिए। तो एक मैं लाई हूँ देवरानी के लिए, एक लाई हूँ सासू जी के लिए। इसकी पन्नी ना खो गई है कहीं, ऐसे बैग में पड़ गई, तो जिसको जो पसंद आएगा वो रख लेगा। ये चार चार कड़े हैं, मतलब इनको कड़े बोल सकते हैं हम लोग बारीक बारीक, तो जिसको जो पसंद आएगा वो रख लेगा। तो ये लो धन्यवाद नो अगली शॉपिंग है ये दो क्लैपचर हम दोनों के लिए हैं, जिसका सूट जैसा मैचिंग होगा ना उसका वैसे ही मैंने सेम ला रखा देखो। बाकी दोस्तों मैंने ला रखे हैं ये तीन छोटे छोटे मंगलसूत्र जो कि ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद आए थे। तो ये एक सासू जी के लिए है और एक सासू जी और एक देवरानी के लिए, क्योंकि मेरे पास तो है ना इसलिए मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ। तो ये देखो बाकी ये सबसे छोटा है देवरानी के लिए, ये सासू जी के लिए और ये हमारी कक सासू जी के लिए ये, और ये है मेहंदी जिसको कि ना हम आज लगाने वाले हैं। बाकी जो घर का सामान है ना वो भी मैं एक थैला भर के लाई हूँ, मतलब जो हमारा यूज़ होता है विम बार साबुन वगैरह। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज ना मैंने ला रखे थे दोस्तों देखो पेड़े, तो यहाँ पर खा रहे जा रहे हैं पेड़े ये, और चाउमीन ख़त्म कर दिया इसने। बाकी अभी इसमें कितने पेड़े बच रखे हैं, आधे किलो लेके आठ मेरे को, आप ससुर जी और मिस्टर जी के लिए। बाकी हम खा रहे हैं पेड़े और चाय।